नमस्कार जोहार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ बातों बातों में, जिसका आपको बेसब्री से रहता है इंतजार। और आज के सेगमेंट में हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर कुनल कांडिर मैम, जो कि HOD है बोटनी विभाग की और डीन है साइंस विभाग की, और साथ ही साथ प्रो वाइस चांसलर रह चुकी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो खांची 90.4 FM में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो कहाँ पे हुई? मेरा बचपन सबसे पहले तो खूंटी में गुजरा। खूंटी में सबसे पहले उर्सुलाइन कॉन्वेंट खूंटी में मेरी बचपन की शिक्षा हुई। उसके बाद मेरे पिताजी, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे और उनकी पोस्टिंग जगह जगह पर होती थी, तो कई जगहों पर फिर मेरी शिक्षा हुई। और जैसे ही मैं 10वीं कक्षा में पहुंची तो मुझे बेथेसदा गर्ल्स हाई स्कूल रांची में भर्ती कराया गया, और वहीं पर मैंने अपना मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीज़न से। और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था और मैंने फर्स्ट डिवीज़न से वहां मैट्रिक पास किया। उसके बाद मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हुआ, वहां मैंने इंटर पास किया। और उसके बाद मेरी शिक्षा हजारीबाग में हुई, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, बहुत सबसे पुराना कॉलेज, झारखंड बिहार का ये सबसे पुराना कॉलेज है। वहीं पर मेरी BSc की पढ़ाई हुई, मैं ऑनर्स लेवल पर वहाँ BSc ऑनर्स की। और उसके बाद MSc के लिए फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी में आ गई और यहाँ मैंने MSc की डिग्री हासिल की 1981 में फर्स्ट क्लास में। और उसके बाद ही 81 में ही मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा चयन लेक्चरशिप के लिए हो गया। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हुई कि मैं रांची यूनिवर्सिटी में ही 1981 में ही, जिस वर्ष मैंने पास किया, उसी साल मैं लेक्चरर बन गई और मेरी पहली पोस्टिंग संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में ही हुई, जहां मैंने BSc ऑनर्स किया था। उस समय संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में ही था। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हुई कि मेरी पहली पोस्टिंग एज ए लेक्चरर संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में हुई। और उसके बाद एक साल के बाद ही दिसंबर 1982 में मेरा तबादला यहाँ MSc बॉटनी में रांची विश्वविद्यालय रांची में हो गया। जहाँ मैं पढ़ी थी वहीं मैं फिर आ गई। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हुई कि जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया, मुझे उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला। जी मैम, आपकी पहली पोस्टिंग भी वहाँ हुई जहाँ से आपने BSc ऑनर्स किया, आपकी दूसरी पोस्टिंग फिर से हुई तो वहीं हुई जहाँ से आपने MSc किया। तो ये जर्नी कैसा रहा, आपको कैसा लगा, आपके अपने शिक्षकों के बीच में एक शिक्षक के तौर पर कार्य करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी उनकी स्टूडेंट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अपने साथ उन्होंने रखा, बहुत कुछ सिखाया। जो बातें मैं नहीं जानती थी वो भी उन्होंने सिखाया, रिसर्च के बारे में बताया। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ MSc के लिए आई तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ मेरा परिचय हुआ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं इनकरेज्ड हुई कि मैं भी रिसर्च के क्षेत्र में आऊं, और उसी समय से मैंने रिसर्च का काम डिपार्टमेंट में शुरू कर दिया। जी, तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि एक शिक्षक का कैरियर या एक शोधकर्ता का जो कैरियर होता है, ये आपने क्यों चूज किया, क्या इसके पीछे आपका विचार था? मेरा शोध करने का विचार, जैसे ही मैं यहाँ MSc के लिए आई और अपने शिक्षकों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने उन्होंने देखा कि वे कितने लगन से शोध कार्य करते हैं, नई खोज करते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी वनस्पति विज्ञान है, और जो कि एक लिविंग विषय है, लिविंग सब्जेक्ट है, और मेरा रुझान इस ओर गया कि मैं इस क्षेत्र में काम करूं। जी, तो मैम मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप इतने सालों से बोटनी में काम कर रही हैं, अभी बोटनी की HOD है, बोटनी पढ़ी, बोटनी पढ़ा रही हैं, तो इस सब्जेक्ट में आपके स्टूडेंट का या फिर जो बच्चे होते हैं उनका क्या रुझान देखने को मिलता है? बच्चों का रुझान भी बोटनी में बहुत अच्छा रहा है, और क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसीलिए बच्चों का रुझान भी इस क्षेत्र में है। क्योंकि वनस्पति विज्ञान विभाग एक नेचुरल सब्जेक्ट है, नेचर को ये पढ़ता है, पढ़ाता है, तो इसलिए बच्चों का रुझान इस ओर बहुत अधिक हुआ। और इसमें संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं, इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि हर एक पौधा, हर एक पौधा
पौधा विशिष्ट होता है और हर एक पौधे में औषधीय गुण होता है या कुछ और भी गुण होता है, जिसके कारण पौधे का महत्व हमारे बीच में बहुत अधिक है। हम आज की तारीख में भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करने में भी पौधे का ही हाथ है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वृक्ष खत्म हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जंगल का सफाया हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और हम सभी ने अभी महसूस किया, जब कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उस समय कितना महत्व था पेड़ पौधों का। जी, और ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में तभी मिल सकता है जब हम पौधों को, वृक्षों को लगाएं, इनको नहीं काटें बल्कि इन्हें हम लगाते रहें, तभी नेचर में हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और हम सभी जीवित रह सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। जी मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट हैं बोटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में जाना चाहते हैं, उन्हें किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करके पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें किन किन विषयों का नॉलेज होना चाहिए? बॉटनी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें पेड़ पौधों का वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नाम जानना चाहिए। जी, क्योंकि अनेक क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पौधों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ जैसे हम किसी पेड़ को, आम को यहाँ आम कहते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे भाग में इसे आम नहीं कहा जाता है, मैंगो कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पूरे विश्व में सभी लोग जाने, एक ही नाम। हाँ, एक ही नाम। तो उसके लिए बोटानिकल नेम लिया जाता है, बोटानिकल नाम, बोटानिकल नेम उसके लिए डेवलप किया जाता है। जैसे मैंगो को हम मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा इंडिका ये बोटानिकल नेम है और ये दुनिया के सभी भागों में इसे हम जान सकते हैं। अगर मेंजीफेरा इंडिका कहें तो दुनिया के सभी क्षेत्र में जानेंगे लोग कि ये आम है। जी, इसी तरह से और भी पौधों का नाम है जिनका बोटानिकल नेम है और बोटानिकल नेम ये तय किया जाता है बोटानिकल कॉन्फ्रेंस में। जी, और वहीं पर से ये बोटानिकल नेम को लाया जाता है दुनिया के विभिन्न भागों में, बोटानिकल नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया है ना, बोटानिकल नेम ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसमें ये नाम तय किया जाता है। जी, और दुनिया के सभी भाग में ये लागू किया जाता है। जी, सभी पौधों के लिए। जी, मतलब साइंस के लैंग्वेज में एक नाम डिसाइड किया जाता है जो कि हर कोई, चाहे हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हर कोई उसे उसी नाम से जानता है, वो एक पर्टिकुलर नाम फिक्स होता है। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कॉलेज के साथ इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप एक स्टूडेंट भी रही हैं, एक शिक्षिका भी बन के आई, तो कुछ ऐसा पल तो हुआ होगा जो यादगार बन गया होगा, तो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए कुनल मैम। ऐसे तो बॉटनी से मेरा लगाव शुरू से ही रहा है। जी, क्योंकि मेरे दादाजी भी फॉरेस्ट विभाग में काम करते थे, वो DFO थे। जी, इसीलिए शुरू से ही मेरे पिताजी का भी लगाव था और हम लोगों का भी लगाव हुआ। जी, और मैं एक पल सुनाती हूँ। जब मैं BSc ऑनर्स में पढ़ा करती थी सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग में, तो सभी को पूछा जा रहा था कि आप क्या बनिएगा, क्या बनिएगा। सभी लोग कुछ कुछ कह रहे थे कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन जब मुझे पूछा गया तो मैंने तुरंत कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। तो मेरे सारे जो साथी थे वे हंसने लगे, इतना कॉन्फिडेंटली तुम कैसे कह रही हो कि तुम प्रोफेसर बनोगी। तो मैं बिल्कुल बनूंगी, और ये बात मेरी जिंदगी में सच साबित हुआ। तो ये मेरे लिए यादगार पल हुआ कि मेरे अंदर से ये बात निकली कि मुझे प्रोफेसर बनना है। वो एक लगन, वो एक मेहनत सिद्धत होता है। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी में जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर देखते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इस क्षेत्र में? वनस्पति शास्त्र विज्ञान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। जी, जैसे हम देखते हैं कि हर पढ़ाई के लिए, हर विषय के लिए विभिन्न सोसाइटी बने हुए हैं। जी, तो बॉटनी के लिए भी बोटानिकल सोसाइटी बना हुआ है, इंडियन बोटानिकल सोसाइटी। जी, तो उसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। फिर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। फिर बहुत सारे फॉसिल्स भी बॉटनी पढ़ाए जाते हैं, पैलियो बॉटनी, इसमें भी क्षेत्र है। औषधीय विज्ञान पढ़ने के लिए क्षेत्र है, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहाँ पर बोटानी की पढ़ाई जरूरी होती है, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें CDRI, चाहे फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में भी हमें
नौकरी मिलती है तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है जी। और उसी तरह से हमें जो है कंजर्वेशन भी इस क्षेत्र में करना पड़ता है कंजर्वेशन, उसके लिए भी हमें बहुत सारी बातों को बॉटनी के विषय में सिखाया जाता है, किस तरह से हम पौधे को बचाएं, कंजर्व करें, बढ़ाएं। तो इसके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। टिश्यू कल्चर है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे प्लांट ब्रीडिंग, इसके द्वारा हम उन्नत किस्म के पौधों का विकास कर सकते हैं। उसी तरह से और भी टिश्यू कल्चर वगैरह है जिसके द्वारा हम बॉटनी के क्षेत्र में बहुत काम कर सकते हैं। मतलब एक विस्तृत क्षेत्र है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आप इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो, और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले। मैं अपने लिसनर्स को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पेड़ पौधों से हम लगाव रखें जी, पेड़ पौधों को हम बचाएं जी। हम जितने भी सृष्टि के सदस्य हैं सभी का ये कर्तव्य है कि हम पौधों को बचाएं, पौधों को संरक्षित करें, पौधे लगाएं। हम अपने किचन गार्डन में भी हम अपने पौधों को, औषधीय पौधों को लगाएं, जिससे छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी खांसी वगैरह होते हैं जी। तो उसके लिए भी हमें अपने ही घर में पौधे, औषधीय पौधे मिल सकते हैं जी। और अभी जैसे जो कोरोना हुआ था उस समय भी औषधीय पौधों की विशेषता या महत्व सभी को ज्ञात हुआ, समझ में आया। जैसे टिनोस्पोरा कोडिफोलिया अमृता जो है उसका स्टेम, उसका जो काढ़ा है वो सभी लोगों ने पिया, तुलसी का काढ़ा सभी लोगों ने पिया। तो सभी को अब इन औषधीय पौधों का महत्व समझ में आया, इसलिए हम जहाँ तक हो सके अपने घरों में लगाएं। अगर घरों में हमारे पास जमीन नहीं है तो हम गमलों में इन पौधों को लगा सकते हैं, और जिनके पास जमीन है वो अधिक मात्रा में इनको लगा सकते हैं और इनके द्वारा अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को भी हम सुधार सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जैसे एलोएवेरा, तुलसी, सेंटेला एशियाटिका, बेंगशाग वगैरह, ये सब की खेती हम कर सकते हैं जी। तो हम इन पौधों के द्वारा हम अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने आर्थिक स्थिति हम लोग सुधार सकते हैं। डिमांडिंग प्लांट्स हैं ये सब, इन मार्केट में काफी वैल्यू है इनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुनुल मैम हमारे रेडियो खांची 90.4 एफएम में आने के लिए और इतने अच्छे अच्छे बातें हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। रेडियो खांची 90.4 एफएम पे आप सुन रहे थे डॉक्टर कुनुल कांदिर मैम को, जो कि एचओडी है बॉटनी विभाग की और साथ ही डीन है साइंस विभाग की। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे रेडियो खांची में आने के लिए। और आप अब सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 एफएम और मुझे यानी आरजे वैभवी को दीजिए इजाजत।